हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशनल में। आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस और हाल ही में केंद्र सरकार के कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। इन दोनों के क्या क्या प्रावधान हैं, कौन बेहतर तरीके से कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प का ऑप्शन है, किसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, तो चुनने से पहले आप सभी को ये वीडियो बहुत आराम से ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किसको आप चुनें जिसमें आपको टैक्स ना देना पड़े जब आप रिटायर्ड हो जाएं, जब आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले तो उसमें आपको टैक्स भी ना देना पड़े। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए है। पूरा टेबुलर फॉर्म में आपके ग्रेड पे के हिसाब से मैं इस पर वीडियो में बातचीत करूँगा। तो विच वन इज़ बेटर, यूपीएस एनपीएस या ओपीएस, इसमें क्या बेहतर है, सभी सटीक आंकड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर ओपीएस का मुद्दा सफल नहीं भी होता है, सबकी यही मांग है कि ओपीएस ही सबको मिलनी चाहिए, अगर यूनिफॉर्मली ओपीएस नहीं मिलता है तो क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि क्या है नई और पुरानी स्कीम में डिफरेंस क्या है। तो पुरानी पेंशन स्कीम आप सभी को पता है ओपीएस जो है वो रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आधी राशि की बात की जा रही है, न कि आपके रिटायरमेंट के लास्ट 12 मंथ का जो यूपीएस में प्रावधान आया है कि आखिरी जो आपको वेतन रहेगा उसका 50% आपको मिलेगा ओपीएस के अंतर्गत। वहीं एनपीएस में नई पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी और डीए जोड़ने के बाद उसका 10% का जो हिस्सा है वो आपको दिया जाता है आपके अकाउंट में जो जमा होता है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी से पैसा नहीं काटा जाता, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें आप सभी को पता है कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है, सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान होता है। ओपीएस में 20 लाख तक की रकम ग्रेच्युटी में मिलती है आपको ओपीएस में। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को भी पेंशन मिलती है ओपीएस में। जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है जो आपके अकाउंट से काटा जाता है। 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान है, ये सभी प्रावधान ओपीएस में है। वहीं आपकी नई पेंशन स्कीम पूरी तरीके से शेयर मार्केट पर डिपेंड है, इसलिए इसमें कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। 6 महीने बाद जो ओपीएस में डीए का प्रावधान था मिलने वाला वो यहाँ पर नहीं है। रिटायरमेंट के बाद कोई भी गारंटीड पेंशन नहीं है न्यू पेंशन स्कीम में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बता रहा कि शेयर मार्केट पर आधारित इसलिए टैक्स का भी प्रावधान है। जी हाँ, और ऐसा कोई भी टैक्स का प्रावधान ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं है। और पेंशन के लिए एनपीएस फंड का 40% आपको निवेश करना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पर हम बातचीत करते हैं, जो आपकी ओपीएस स्कीम एनपीएस स्कीम और यूपीएस स्कीम में सबसे ज़्यादा योगदान और प्रावधान क्या क्या हैं। तो आप अगर आप देखेंगे जो स्कीम के नाम हैं ओपीएस, ओपीएस में कर्मचारी का योगदान क्या है, तो कोई नहीं, पूरी तरीके से सरकारी वित्त पोषित होती है यानी सरकार के द्वारा ही सारा कुछ इसमें फाइनेंशियल जो क्रेडिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। और सरकार का योगदान क्या है, तो कोई नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। प्रमुख प्रावधान क्या है, आखिरी वेतन के 50% की गारंटी और पूरी तरीके से टैक्स फ्री पेंशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ओल्ड पेंशन स्कीम की। वहीं बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 10% काटा जाता है हर माह, और सरकार द्वारा मूल वेतन और डीए का 14% उसके साथ जोड़कर कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाता है। और रिटायरमेंट पर दौरान 60% आपको मिलेगा टैक्स फ्री विड्रॉल, और 25 वर्षों के बाद माफ़ करिएगा, यहाँ पर आपके
60% टैक्स फ्री विड्रॉल की बात यहाँ पर करें, बाकी के 40% की बात यहाँ पर नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात है, जो नई पेंशन स्कीम UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू की गई है, उसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 10% की कटौती की बात की गई है, और सरकार इसमें जो NPS में 14% अपना शेयर देती थी, वहीं यहाँ पर बढ़ाकर मूल वेतन का उन्होंने 18.5% कर दिया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 25 वर्षों की अगर आपकी सेवा है तो मूल वेतन का, ना कि आपके टोटल सैलरी का जो OPS में, उसका 50% आपको मिलेगा। और इसमें गारंटीड पेंशन है मिनिमम 10,000 रुपये। अब आप मुझे ये बताइए कि इतनी ही अच्छी अगर NPS होता या UPS स्कीम होती तो जो कर्मचारी हैं इतने वर्षों की सेवा के बाद भी OPS की ही मांग हमेशा से क्यों कर रहे हैं? NPS जब भी आया उसको खारिज किया गया, दरकिनार किया गया, प्रेशर क्रिएट करके कर्मचारियों को ज़बरदस्ती NPS में इन्वॉल्व किया गया। एक बार की हार के बाद, या कह सकते हैं कि केंद्र में प्रश्न चिन्ह उठने के बाद, सत्ता के डर से कहीं ना कहीं NPS को विड्रॉ करने या उसके साथ और एक्स्ट्रा ऑप्शन देने के लिए UPS योजना लाई गई। अब मेरी एक ये बात आप लोग गौर करिएगा, और आप लोगों की यही मांग होगी कि जब NPS बेटर नहीं था तो इसको बेटर कह कह के जब कर्मचारियों को ज़बरदस्ती थोपा गया कि बहुत अच्छी स्कीम है, टोटल शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट है, आपको बहुत लाभ होगा, करोड़ों का लाभ होगा, सरकार कर्मचारियों ने बिल्कुल नकार दिया, तो इसके बाद जब इतनी अच्छी स्कीम थी इसको आपने चेंज क्यों किया, इसकी जगह UPS आपने क्यों इन्वॉल्व किया? अब इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों को 50% उनकी पेंशन दी आ जाएगा। अब आ जाते हैं आपके टेबुलर फॉर्म में कि क्या किसका ग्रेड पे है और उस पर क्या क्या उनको दिया जाएगा। तो नई पेंशन व्यवस्था NPS और पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS का एक तुलनात्मक विवरण आपके समक्ष है। NPS में अंतिम 40% जो धनराशि है उस आधार पर OPS में 6th एवं 7th पे कमीशन के आधार पर इस पर बातचीत यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि मेन क्या गया है कि इसमें 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, प्लस 10% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, प्लस 3% एनवे जो वार्षिक आपका DA DR में चेंजेस होते हैं उसके आधार पर है। अगर आपकी मान लीजिए 2800 ग्रेड पे की आपकी अगर आप 2800 ग्रेड पे काम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो आप पेंशन टाइप है, आप देखिएगा NPS और OPS में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप NPS के अंतर्गत हैं, 10 साल की सर्विस करते हैं, तो आपको पेंशन लगभग 4000 के आसपास है, वहीं OPS में आपका लगभग 25000 के आसपास है, तो डिफरेंस कितने का है, 21000 का। 15 सालों की सर्विस है आपकी तो आपका NPS के अंतर्गत जो पेंशन होगा 6700 के आसपास, वहीं OPS में 31000 के आसपास। इसी तरीके से आप 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल की सर्विस करते हैं तो 2800 ग्रेड पे की अगर आपकी नौकरी है, आपका 2800 ग्रेड पे आप नौकरी कर रहे हैं, चयनित हैं, तो आप 35 वर्ष की सेवा करने के बाद NPS के तहत आपको 39438 के आसपास सैलरी मिलेगी, माफ़ करिएगा पेंशन मिलेगी, और OPS के अंतर्गत जो था वो 79000 के आसपास, लगभग 80000 के आसपास आपकी पेंशन बनती। लेकिन जो ये 35 वर्ष की बात है, ये बहुत ही बड़ा कार्यकाल है, जो कम में रिटायर हो जाएगा, कम सर्विस में जिसकी रिटायरमेंट है उसका पेंशन देख ही सकते हैं कितनी है ये। वहीं अगर आप देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि और भी 4200 ग्रेड पे की मैक्सिमम जो सर्विसेज होती हैं 4600 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंस बढ़ता ही जाता है। आप अगर आप देखेंगे इन सब चीज़ों में, जैसे 4200 ग्रेड पे है तो NPS के तहत 10 वर्षों की अगर आपने सेवा दी है तो आपको लगभग 5000 के आसपास सैलरी, OPS में आप हैं तो लगभग 30000 के आसपास सैलरी। यही डिफरेंस क्रिएट किया गया है NPS की जगह अब UPS का जो ऑप्शन गवर्नमेंट दे रही है कि अगर आप 10 वर्षों की अगर आप सेवा
कर लेते हैं, सर्विस में रहते हैं, तो जो यहाँ पर एनपीएस में लगभग 5,000 के आसपास है, वहीं जस्ट डबल आपका मिनिमम 10,000 रुपये आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से टेबुलर फॉर्म को देख लेते हैं, तीनों में डिफरेंस, ओपीएस में, एनपीएस में और यूपीएस में। पेंशन है ओपीएस में 50% प्लस डी आपको पेंशन मिलेगी। एनपीएस में द पेंशन अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, यानी एनपीएस में पेंशन का जो अमाउंट है फिक्स नहीं है, सिंस इट इज बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड एंड मैनेजर, यानी पूरा टोटली मार्केट पर डिपेंडेंट है, तो आपका पेंशन फिक्स्ड नहीं है। वहीं यूपीएस में भी आपका 50% प्लस डीए की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं पेंशन के तौर पर यूपीएस और ओपीएस में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई ओपीएस के तहत जो पुरानी पेंशन स्कीम था कोई नहीं था, लेकिन एनपीएस में बिल्कुल है 10% बेसिक प्लस डीए आपका, और वैसा ही सेम आपका यूपीएस में भी है। वहीं बात करें ग्रेच्युटी की, तो बिल्कुल तीनों में ग्रेच्युटी का प्रावधान है। विड्रॉल ऑफ कंप्यूटेड कॉर्पस, तो जितना भी आप कितना विड्रॉल करेंगे, जो आपकी जैसे आप जानते हैं कि ओपीएस में जीपीएफ का काटा जाता है लगभग, तो जीपीएफ आप कितना भी आपका कट सकता है, तो इसमें जितना भी आपका कटा रहता है रिटायरमेंट पे आपको पूरा मिल जाता है, विड्रॉल आप कर सकते हैं ओल अमाउंट। एनपीएस में आपका मैक्सिमम 60% आप निकाल सकते हैं विच इज़ टैक्स फ्री, और जो 60% जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख टोटल अमाउंट है, तो इसमें से 6 लाख आप निकाल सकते हैं एनपीएस के अंतर्गत, बाकी के जो 4 लाख है उसको शेयर मार्केट में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा और उसी के तहत आपको पेंशन दी जाएगी। और अभी तक यूपीएस में ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं मेंशन किया गया है कि क्या होगा, वो भविष्य में पता चलेगा। जीपीएफ की सुविधा बस ओपीएस में है, एनपीएस और यूपीएस में नहीं है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की मार क्या होगा इसमें, तो पेंशन इंक्रीजेज विद द रिवीजन ऑफ डीए ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार जो डीए रिवाइज होता है, चेंज होता है, उस वजह से पेंशन बढ़ जाती है ओपीएस में, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और यूपीएस में वैसा ही प्रावधान आ गया है जिस प्रकार से आपके ओपीएस में है। और कंट्रीब्यूटेड मनी, आप एक साल में अपने जो भी पैसे आपने कंट्रीब्यूट किए हैं वो आप निकाल सकते थे ओपीएस में, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और लमसम पेमेंट की बात करें, तो पहली बार ऐसा प्रावधान आया है जो ओपीएस और एनपीएस में बिल्कुल नहीं था, वो यहाँ पर यूपीएस में इन्वॉल्व किया गया कि 1/10 हिस्सा मंथली एमोलमेंट यानी बेसिक प्लस डीए का आप एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एनुएशन, जैसे ही कंप्लीशन होता है 6 मंथ पर सर्विस के, आप इसमें 1/10 हिस्सा आप लमसम अमाउंट जो पेमेंट हो सकती है। वीआरएस की सुविधा, अभी तक ओपीएस में ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलती थी कि एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन द डेट ऑफ वीआरएस, वीआरएस की दिन से ही आपको ओपीएस में पेंशन के लिए आप एलिजिबल रहते थे, लेकिन एनपीएस में एम्प्लॉय विल गेट ओनली 20% ऑफ द कम्प्लीट कॉर्पस एंड रेस्ट 80% इन्वेस्टमेंट इन एन्युटी, यानी एनपीएस में बस 20% ही आपको, जैसे मान लीजिए फिर मैंने वही बोला कि 10 लाख आपका जमा है एनपीएस अकाउंट में, तो जिस दिन आप वीआरएस लेते हैं 2 लाख ही आपको मिलेंगे, बाकी के 8 लाख रुपए उसको शेयर मार्केट में एन्युटीज के तौर पर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और यूपीएस में मेल एलिजिबल फॉर पेंशन ओनली आफ्टर एज ऑन डेट ऑफ द एक्चुअल रिटायरमेंट, इसमें भी अभी ये संभावित है कि जब आपकी एक्चुअल रिटायरमेंट होगी, मान लीजिए आपने 52 साल पर वीआरएस ले लिया, आपकी एक्चुअल रिटायरमेंट 60 साल पर है, तो 8 साल बाद ही आपको पेंशन का इसमें प्रावधान होगा। तो ये कुछ मोटे मोटे अंतर रहे जो मैंने आपको सीधे तौर पर बताने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई भी प्रश्न हो इन सभी मुद्दों पर तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और ये ज़रूर बताइए कि विच वन इज़ बेटर, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।